हेलो फ्रेंड्स, यह लेसन नंबर 54। इसमें हम सीखेंगे डू वाइल लूप इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वाइल लूप जो है वो एंट्री कंट्रोल लूप है। कैसे? वाइल लूप के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पर कंडीशन। ओके, तो वाइल लूप में एंटर होने से पहले कंडीशन चेक होती है, तो उसके लिए उसको एंट्री कंट्रोल लूप बोला जाता है। और डू वाइल लूप के अंदर कंडीशन जो है वो लास्ट में चेक होती है, इसलिए उसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोला जाता है। ओके, एंट्री कंट्रोल कौन सी है? वाइल लूप। ओके, और एग्जिट कंट्रोल जो कि है डू वाइल लूप। ओके, तो हमने वाइल लूप देखा था अगले लेसन में, उसमें कंडीशन चेक हो जाती है, उसके बाद ही स्टेटमेंट रन होता है। अगर कंडीशन रॉन्ग होती है ओके, तो स्टेटमेंट रन नहीं होगा। और डू वाइल लूप में क्या होगा कि यदि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, सही हो या गलत हो, तो भी एक बार स्टेटमेंट रन जरूर होगा। ओके, तो इस तरीके से एंट्री कंट्रोल लूप है वाइल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप है डू वाइल लूप। तो चलिए देखते हैं डू वाइल लूप का कोड कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, जो भी लेना है। यहाँ पर लिखिए डू ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। ओके, और यहाँ पर लिखे वाइल, यहाँ पर कंडीशन आएगी ए इज लेस देन 5। ओके, तो इस तरीके से डू वाइल लूप जो है वो लिखा जाता है, डू देन ब्रैकेट एंड वाइल, यहाँ पर कंडीशन। तो देखिए डू वाइल लूप में कंडीशन लास्ट में चेक होगी, तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने लिखा। ओके, और उसमें मैं लिखता हूँ हेलो, यहाँ पर लिखूँगा ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, तो इस तरीके से लिखा जाता है डू वाइल लूप। देखिए ये कंडीशन तो सही है, ओके ए लेस देन 5, तो स्टेटमेंट रन होगा, यानी कि ए की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी? 4 तक। ए प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट होता रहेगा 1 से। ओके, तो देखिए हम इसको रन करते हैं, हेलो आ गया 4 टाइम्स। ओके, क्योंकि ये लूप 4 बार रोटेट होती है। यहाँ पर अब ए की वैल्यू मैं 10 लेता हूँ। ओके, ए की वैल्यू कर दी मैंने 10, तो ये कंडीशन क्या हो गई? गलत हो गई, ए लेस देन 5। ठीक है, तो भी ये जो स्टेटमेंट है वो एक बार रन जरूर होगा। ये देखिए, रिफ्रेश करता हूँ मैं, हेलो आ गया। ओके, तो ये फ़र्क है वाइल लूप और डू वाइल लूप में। ओके, डू वाइल लूप में यदि ये कंडीशन गलत है तो भी ये स्टेटमेंट रन जरूर होगा, यानी कि अगर आपको कोई ऐसा कोड करना हो कि जो एटलीस्ट एक बार तो रन हो ही जाना चाहिए, तो आप डू वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। ओके, एक और बात कि डू वाइल लूप के अंदर भी आप दूसरी डू वाइल लूप रख सकते हैं। यहाँ पर डू लिखिए, ओके, यहाँ पर वाइल लिखिए, यहाँ पर कंडीशन आएगी कंडीशन, ओके बी लेस देन 10 या कुछ भी। तो इस तरीके से आप डू वाइल लूप के अंदर दूसरी डू वाइल लूप लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ डू वाइल लूप। ओके, तो याद रखिए कि डू वाइल लूप जो है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है। ओके, और उसका कोड एकदम इजी है राइट करना। ओके, तो इस लेसन में हमने सीखा कि डू वाइल लूप कैसे लिखा जाता है। ओके, अगले लेसन में हम सीखेंगे एरे वेरिएबल और कई सारे कोड आएगा जावास्क्रिप्ट का। इस लेसन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।